जितने भी लोग एनजीओस में जो काम करते हैं, इनको और संगठित होने की ज़रूरत है, जिससे कि जो है हम लोग के जो रोज़गार के अवसर हैं बढ़ें, जो प्रोजेक्ट के अवसर हैं वो बढ़ें, और हम लोग मिलजुल के जो हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंपनीज की यूनियंस होती हैं, उसी प्रकार जो एनजीओस की अगर हम लोग कुछ यूनियन पे अगर बात कर पाएँ, क्योंकि एनजीओस में जो काम होता है प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, सैलरी हम लोग की कितनी होती है सभी को पता है, और हम लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। हालांकि हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं, लेकिन जो खुद जो एनजीओ सेक्टर में जो काम करते हैं वो संगठित नहीं हो पाते हैं, और कई प्रकार से जो है वो जो जीवन भर एनजीओ में काम करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, और ख़ास करके सोशल सिक्योरिटी जो है उनका जो व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। तो अगर हम लोग एनजीओ में काम करते हैं तो हम लोग जो है इसमें संगठित हो सकते हैं, हम लोग बैठ के विचार कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं कि जो एनजीओ में जो लोग काम करते हैं वो किस प्रकार से संगठित हों और किस प्रकार से जो है अपने जो अधिकारों की रक्षा कर पाएँ, अपने जो सामाजिक सुरक्षा है उसकी रक्षा कर पाएँ, क्योंकि जो सैलरी होती है वो तो काफ़ी कम होती है, सुविधाएँ भी काफ़ी कम होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, कभी जॉब है कभी नहीं है, और जो ज़िंदगी है जो एनजीओ में काम करते करते पूरे संघर्ष में निकल जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग संगठित हों, बैठ के विचार करें, आसपास के एनजीओस के जो वर्कर हैं उनके साथ बैठे विचार करें और देखें किस प्रकार से जो है हम लोग ना केवल अपने वर्तमान को सुरक्षित कर पाएँ, अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएँ, बल्कि अपने जीवन यापन को भी जो है सम्मानजनक तरीके से हम लोग व्यतीत कर पाएँ। तो आइए इसके लिए हम लोग संगठित हों, प्रयास करें, बैठें, बात करें कि किस प्रकार के जो एनजीओ के जो वर्कर हैं किस प्रकार से संगठित हों।